नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। विपक्ष के विरोध के बीच इसे अब जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक किसी का हक छीनने नहीं, बल्कि जिन्हें कभी उनका हक नहीं मिला उन्हें हक दिलाने के लिए लाया गया है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल संविधान पर हमला है, एक खास धार्मिक समूह को टारगेट करने वाला है। आइटम नंबर 14, श्री किरेन रिजू जी। सर, विद योर परमिशन आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होते ही संसद में हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने बिल को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया, तो लगे हाथ बीजेपी और केंद्र सरकार पर देश को बांटने का इल्जाम भी जड़ दिया। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। ये दावा भी कर दिया कि बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अल्पसंख्यकों की हालत में सुधार के लिए लाया गया और ये बिल किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. Next, you will go for Parsi. Rajnath ji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. We are Hindu, sir. We are a believer. But we, same time, we are respecting the faith of other religions also. You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. Yeah. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से, ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995 जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, बट टुडे वी सी दैट दिस गवर्नमेंट इज ब्लेटेंटली
गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू. इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है. किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है. इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है. और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ. समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध किया. हालांकि अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अधिकार छीने जाने की बात कह दी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त एतराज जताया. शाह ने अखिलेश यादव को गोलमोल बात न करने की नसीहत भी दे दी. कर सकते हो आप, नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. भाजपा अपने हताश निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है. अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं. मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं. कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं. इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो. जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान लें. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल की आलोचना करते हुए सरकार को नसीहत दी कि धर्म और आस्था से जुड़े इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसे स्थायी समिति को भेजने की मांग कर दी. ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए. यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है. Okay. हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं. इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए. और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है. आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी. 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई, और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है, कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूम का. इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया. सर हिंदू एंटोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता. और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है. चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा. बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है. पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है. लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है?
ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? सर वी ऑब्जेक्ट, प्लीज विथड्रॉ दिस बिल, लेट्स हैव मोर डिटेल्ड डिस्कशंस, देयर आर कमिटीज व्हिच आर फॉर्मिंग, लेट्स डिस्कस इट एंड ओनली देन ब्रिंग अ बिल व्हिच इज फेयर एंड व्हिच इज जस्ट इन दिस कंट्री। पहले चर्चा हजारों में हो चुकी है और आगे होगी, लेकिन ये पूरा निर्णय मुस्लिम समाज के पक्ष में है। लेकिन पीड़ा मुझे इस बात की है, जिस विपक्ष ने शाहबानों में जो चेहरा दिखाया, तीन तलाक का विरोध किया, वही आज यहां भी विरोध कर रहे हैं। वोट बैंक कितना हावी है ये समझना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा, ये कानून मुस्लिम समाज के हक में है, इसका समर्थन करना चाहिए। अंडर व्हिच लॉ दिस पावर हैज बीन गिवन टू डिसाइड द प्रॉपर्टी टाइटल। हालांकि विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बाद बिल को जेपीसी में भी भेज दिया गया, लेकिन संसद के बाहर भी इस पर राजनीति जारी रही। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पूरे देश में जमीन हड़पने का कारोबार कर रही और ये बिल भी उसी का हिस्सा है। इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस हैं, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ ये बिल है और पूरी तरह से हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 14 में, तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मनसा ठीक नहीं है। जिनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस बिल का, सो वी विल इंट्रोड्यूस इट टुडे। कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। वो पुरखों ने अपनी जमीनें, अपने स्वामित्व की जमीनें अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो दान में दी हैं। जो वक्फ बोर्ड जो कमेटी है, ये जो वक्फ बोर्ड जो है वो एक टोटली मुस्लिम कमेटी को बिलोंग करती है और हिंदूज के भी अपने अलग हैं, तो कल को ये डिमांड भी माइनॉरिटीज के तरफ से उठेगी, तो क्या सरकार मतलब नई परंपरा शुरू कर रही है? और जब ये पता चलता है कि किसने ये रूल बना दिया कि आप 500 साल पहले का अचानक कोई आएगा कहेगा कि 500 साल पहले ये हमारा था, हमको दान में था और उसको वक्फ बोर्ड की हो गई, तो ये तो भारत के संविधान में ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात है। वक्फ का मतलब है मुस्लिम कानून के जरिए पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का किसी भी व्यक्ति के जरिए दान देना। वक्फ अधिनियम 1995 दान देने वाले और दान की संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। सरकार का कहना है कि 1995 के कानून में संशोधन का मकसद वक्फ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जमीन पर नियंत्रण कर इसे चंद लोगों के हाथ में सौंपना चाहती, धार्मिक मामलों में दखल देकर संविधान और देश को तोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।